नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज, मैं हूं अशोक ठाकुर। आपको ले चलते हैं गोपागंज प्राचीन मंदिर पे, जहां यहां पर इसमें उपस्थित हूँ। आज पूरा नगर क्षेत्र से अपने लाल की प्रतीक्षा में है, उस लाल की जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने ललित कला अकादमी का चेयरमैन अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर आज पूरा जनपद हर्षित और उल्लासित है कि यह सुनील कुमार विश्वकर्मा के लिए गर्व का तो बल ही है, साथ ही साथ यह पूरे जनपद के लिए हर्ष का विषय है कि आज उनके अपने अपनों के बीच का लाल सरकार ने उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त जो ललित कला का अध्यक्ष के पद पर सुशोभित किया है, यह कहीं ना कहीं पूरे जनपद के लिए हर्ष का गौरव का बात है। यह वही कोपांग की सरजमी है जहां पर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किया। उस शिक्षा को ग्रहण करने के पास वह उच्च शिक्षा के लिए दासी हिंदू विश्वविद्यालय 3 साल के लिए चाइनीज स्कॉलरशिप के तहत अब चीन गए, वहां से सीख करके सुनील कुमार विश्वकर्मा वापस आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक ब्रांच है सीएचएस में प्रवक्ता के पद पर चयनित हुए। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्तमान में सुनील कुमार विश्वकर्मा इस समय ललित कला अकादमी काशी विद्यापीठ में अध्यक्ष के पद पर सुशोभित है। यह सुनील कुमार विश्वकर्मा वही विश्वकर्मा है जिन्होंने प्रभु राम के स्केच को बना करके यह अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। आज हमारा पूरा मऊ जनपद काफी गौरवित है। मऊ जनपद के इस लाल ने वह कमाल कर दिखाया है कि यहाँ की मिट्टी आज काफी गौरवित है और सुनील कुमार विश्वकर्मा जी आज अपने गृह नगर कोपागंज को आ रहे हैं और हम लोग उनका बेसब्री से उनके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। यही प्राचीन गौरी शंकर मंदिर पर उनका आगमन होगा। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के उपरांत उनका स्वागत समारोह